खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। दीपावली पर झमझमिया काली मंदिर कमेटी के द्वारा काली पूजा अर्चना एवं झंडी मेला का आयोजन किया जाएगा। राजमहल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गुनिहारी पंचायत के बेगमपुरा गांव पर स्थित काली मंदिर दीपावली के शुभ अवसर पर काली पूजा अर्चना किया जाता है। कमेटी के सचिव विष्णु चौधरी के द्वारा बताया गया कि यह मंदिर लगभग 250 वर्ष पुराना मंदिर है। मंदिर के बारे में दादा परदादा के द्वारा पूजा अर्चना किया जाता था। दादा परदादा से सुनी कहानी, एक बार माँ काली गाँव के रास्ते से पैर में पायल की छमछम आवाज करने के साथ गुजर रही थी। इसी दरमियान गांव के एक व्यक्ति के द्वारा टोकने पर मां काली की शिलापट के रूप में स्थापित की गई। इस समय से ग्रामीणों के द्वारा पूजा अर्चना लगातार किया जा रहा है। मंदिर में झारखंड सहित बंगाल बिहार के विभिन्न जगहों से भक्तगण आते हैं। मान्यते पूरी होने पर पुनः माँ काली के दरबार में आकर पाठवली की जाती है। वर्ष 1982 में हरिशंकर सिंह बिहार निवासी राजमहल में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उन्हीं के द्वारा मंदिर को पक्के निर्माण कराया गया था। बाद में वर्ष 2015 में ग्रामीणों एवं श्रद्धालुओं के अथक प्रयास से मंदिर को भव्य रूप से बनाया गया। झमझमिया काली मंदिर को शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मंदिर कमेटी के द्वारा धूमधाम से काली पूजा एवं एक दिवसीय झंडी मेला का आयोजन किया जाता है। खबर 365 न्यूज के लिए राजमहल प्रखंड से सागर सुमन की रिपोर्ट। विष्णु चौधरी, मैं इस मंदिर का सचिव हूँ। मंदिर मुगल काल से ही पूजा पाठ होते आ रहा है। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा था कि एक बार माँ इसी रास्ते से आ रही थी तो उसके पैर के आवाज, पायल के आवाज से, छमछम की आवाज से जैसे ही आवाज़ निकल रहा था तो और कोई व्यक्ति बताया माँ को जैसे ही टोका तो टोकने के बाद माँ जिला पट में पट करते हुए उसी समय से ग्रामीणों द्वारा धूमधाम से पूजा किया जाता है। हरी प्रसाद हरिशंकर सिंह ने किया था। तो झंडी मेला लगाया जाता है, एक दिवस से मेला लगता है, उसमें संस्कृति कार्यक्रम किया जाता है। सुना जाता जो माता पायल पहन के छमछम करते हुए जा रही थी और वहाँ किसी ने उनको टोक दिया, इसके वजह से यहाँ पर स्थापना शिल्पक में स्थापना हो गया। और 42 वर्ष से मेरे पापा हरिश्चंद्र सिंह जो सप्लाई विभाग में कार्यरत थे वो पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं और ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ पर और उनके सहयोग से यहाँ पे मंदिर बनाया गया। और उनके आश्वस्त होने के बाद 6 साल से मैं उनका खुद प्रकाश कुमार सिंह आकर के यहाँ पे पूजा पाठ ग्रामीणों के सहयोग से करवाते हैं। यहाँ अभी मेला लगता है जिसमें झंडी मेला हुआ और रंगारंग प्रोग्राम और सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है शांतिपूर्वक से, बहुत सारी है। और इस मंदिर में लगभग मुगलों काल से पूजा पाठ होता आ रहा है, ठीक है। हम लोग के लगभग बाप दादा परदादा के समय से यहाँ पूजा पाठ होता आ रहा है और यहाँ पर बहुत भव्य टाइप का मेला भी लगाया जाता है ग्रामीणों द्वारा, ठीक है। आज से लगभग 40-42 साल पूर्व हरिश्चंद्र सिंह यहाँ पर मतलब इस मंदिर का स्थापना करवाए, जो सामने एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, उसके बाद फिर पीछे मंदिर ग्रामीणों के सहयोग से बनाया गया। उसके बाद से पूजा पाठ होता आ रहा है और एक भव्य टाइप का मेला भी लगाया जाता है यहाँ पर। उसके बाद हमारे आदिवासी भाई बहनों का जो झंडी मेला जो प्रोग्राम है वो भी किया जाता है और बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही बढ़िया से यहाँ पूजा पाठ होता हुआ आ रहा है। मुगलों काल से ये सिलसिला चलता आ रहा है बहुत ही शांतिपूर्वक। माता रानी सारी है, भक्तजन आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने मन्नतें पूरे करते हैं। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।